अक्सर जब हम किसी कपल की प्रेम कहानी यानी कि लव स्टोरी की बात करते हैं तो वह बॉलीवुड होता है, लेकिन कुछ ऐसी ही शानदार जोड़ियां हैं जो पेशे से राजनेता हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इनकी लव स्टोरी काफ़ी फिल्मी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को भला कौन नहीं जानता। शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। साल 2014 में शाह की ही रणनीति थी जो मोदी सरकार को फिर से सत्ता की कुर्सी मिली थी। वैसे शाह और मोदी की दोस्ती भी बेहद खास है और इनकी पहली मुलाकात 1982 में हुई थी, तभी से दोनों साथ हैं। जिस वक्त शाह और मोदी पहली बार मिले थे तब वह अहमदाबाद कॉलेज में स्टूडेंट थे और मोदी संघ प्रचारक। यहाँ से इनकी दोस्ती गहरी होती गई और अब दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। जहाँ मोदी ने घर गृहस्थी से खुद को दूर कर लिया तो शाह ने देश की सेवा के साथ पति धर्म भी बखूबी निभाया। आज हम आपको बताएंगे कि शाह की निजी जिंदगी और धर्मपत्नी सोनल शाह के बारे में। जब अमित शाह की आयु सिर्फ 23 साल की थी तब उनकी शादी सोनल शाह से हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि शाह को अपनी पत्नी सोनल से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। शाह एक संपन्न गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति में आने से पहले परिवार का प्लास्टिक पाइप का बिजनेस भी संभालते थे। शाह अपनी 6 बहनों के इकलौते भाई हैं। इनकी 2 बहनें शिकागो में रहती हैं, वहीं पत्नी मूल रूप से कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 2019 के चुनाव के समय अमित शाह द्वारा दिए गए एफिडेविट की माने तो पिछले 7 सालों में उनकी संपत्ति में पूरे 3 गुना इजाफा हुआ है। 2012 में अमित शाह और उनकी बीवी सोनल की कुल आय और अचल संपत्ति 11.79 करोड़ रुपए थी, जो 2019 तक 38 करोड़ रुपए हो गई है। जानकर हैरानी होगी कि शाह को 23.45 करोड़ रुपए की संपत्ति विरासत में मिली है। इसके अलावा दोनों के बैंक अकाउंट में भी काफ़ी मोटी रकम है। हालांकि सोनल अपने पति अमित से 4 गुना ज़्यादा भी कमाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगा।